Hello everyone! Welcome to BC Academy. Today we will study the chapter Structure of Atom. It's my lecture number two on this chapter Structure of Atom. So let's start this chapter without wasting our time. And please like and subscribe my channel BC Academy and click on the bell ring button so that you will get all the notification if there will be any video or not. So let's start this chapter Structure of Atom. So here it's a timeline of atomic theory, which would be very helpful for you for learning. So in 800 BC, Democritus, who, who told about atoms Parmanu, was told by Maharishi Kanad. In 1800, Dalton's model. In 1897, Thomson model. In 1911, Rutherford model. And 1922, Bohr model.

इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता दिस इज़ न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये जो एटम होता है उसके शेल के अराउंड मूव करता है जो प्रोटोन है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है ठीक है और जो न्यूट्रॉन्स होता है ये भी एटम के न्यूक्लियस के साथ में प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन रहता है जो न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी जे चैडविक ने किया था उन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में जाना था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं सो एंड वन मोर थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन वो वन हंड वन अपॉन टू हंड्रेड टाइम्स हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है और जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को हम लोग वन यूनिट लेते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे प्रो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में ठीक है अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रोटॉन्स के बारे में जो प्रोटॉन है ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर है एटम का और जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स का घर है ठीक है जैसे हमारे घर इंडिया में है वैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का घर कहाँ पे है न्यूक्लियस में है जो प्रोटोन है ये पॉजिटिव चार्ज है कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज अब प्रोटोन जो है इसका रिलेटिव मास क्या है वन यूनिट वन यू ठीक है इसे वन और इसके साथ कौन सा चार्ज लगता है पॉजिटिव का चार्ज लगता है ये एटॉमिक नंबर भी डिटरमाइन करता है जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है वन तो उसमें प्रोटोन भी कितने होंगे वन हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है टू तो उसमें जो प्रोटोन भी कितने होंगे टू नंबर ऑफ़ प्रोटोन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर को हम लोग ए एम लिख देते हैं तो ये बराबर होते हैं ये प्रोटोन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ठीक है और दूसरी बात प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों क्या फॉर्म करते हैं मिलके न्यूक्लियॉन्स क्या फॉर्म करते हैं न्यूक्लियॉन्स ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं जीरो ज़ीरो चार्ज अब इसका जो रिलेटिव मास है वो कितना है वन यूनिट और ये भी न्यू प्रो न्यूक्लियस में रहता है अपने प्रोटॉन भाई के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई भाई हैं ठीक है थीके? और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके दुश्मन है तो उसकी सेवा में कर रहे हैं तो इसलिए वो चारों तरफ एटम के घूम रहे हैं ठीक है अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए सब लोग भाई ये दूर दूर रहते हैं कि इसके पास नेगेटिविटी है भाई नेगेटिविटी से दूर रहो अब जो ये है ये कहाँ पे पाए ये न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है ध्रुतपूर्ण एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और और बोर मॉडल में क्या डिस्कवरी हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स है ये स्पेसिफिक एनर्जी शेल में किसी नियमित गिनती में रहता है कि के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में एटीन इलेक्ट्रॉन एटीन इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं हो सकते हैं ये सब कुछ बोर मॉडल के उसमें था ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब ये प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे से रिलेटेड क्या है कैसे हैं रिलेटेड तो देखो जितने प्रोटोन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में किसी भी एटम की बात कर लो आप हाइड्रोजन के एक एटम की बात कर लो लिथियम के एक एटम की बात कर लो ऑक्सीजन के एक आट। एटम की बात कर लो तो उसमें जितने प्रोटोन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और जितना प्रोटोन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर भी होगा ठीक है तो जितने प्रोटोन होंगे उतना एटॉमिक नंबर भी होगा और अगर जब मैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को अगर किसी एटम में छः प्रोटॉन है और आठ न्यूट्रॉन है, जब मैं उन दोनों को सम कर दूं तो मुझे फोर्टीन आएगा जो वो फोर्टीन आएगा वो मेरा क्या है दैट्स माय मास नंबर कि उस एटम का मास क्या है मास नंबर क्या है वो हो जाएगा अगर मुझे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन नहीं पता तो मुझे क्या करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जानने के लिए मुझे मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है अगर एड को एटॉमिक नंबर दिया जाएगा तो आपको प्रोटॉन्स पता चल जाएगा प्रोटॉन्स दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा और मास नंबर दिया गया है तो उससे हमें न्यूट्रॉन्स पता चलेगा न्यूट्रॉन्स से हमें मास नंबर पता चलेगा तो भाई मेन खेल बताओ इसमें किसका है ये न्यूट्रॉन भाई का है ये न्यूट्रॉन भाई का क्यों है क्योंकि जैसे आपने सुना है कि जितने प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो जितने प्रोटोन और एटॉमिक नंबर तो हम लोग पूरे एटॉम आग्टॉम, सारे एटॉम्स का जो पेरियोडिक टेबल हो वो याद कर लेते हैं पर जो न्यूट्रॉन्स है ये कम ज़्यादा होता रहता है कि कहीं पे कहीं और होता है कि कहीं पे टू हो जाता है जैसे हीलियम में उधर टू होता है न्यूट्रॉन्स लिथियम में फ़ोर होता है बेरिलियम में फाइव होता है बोर में सिक्स होता है कार्बन में भी सिक्स होता है ऐसे भाई अलग अलग न्यूट्रॉन्स तो मेन पंगा इन्हीं का पड़ता है कि इनको कैसे याद करें तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने प्रोटोन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटोन के नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है जितने प्रोटोन और जितने न्यूट्रॉन को जब हम लोग का सम कर लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा मास नंबर दिस वॉज द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाउ वी विल टॉक अबाउट वैलेंसी अब वैलेंसी क्या है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ठीक है वैलेंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हमें बहुत ही लंबा टाइम लगेगा फिर भी हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम के एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल और उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर कंबाइनिंग पावर है ठीक है कि दूसरे एलिमेंट से उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कंबाइनिंग पावर है जिससे वो एक ऑक्टेट फॉर्म कर सके उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं वैलेंसी वैलेंसी को और क्लियर करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स की बहुत ही मदद की ज़रूरत है तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ठीक है तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल तो हम लोग अब एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एटम का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एट है जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर क्या है वो एट है तो उसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे वो भी एट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे वो भी एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आपके नॉलेज के लिए मैं ये डाल दूँ कि जो न्यूट्रॉन्स है ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो भी एट होते हैं अब आप लोगों को स्केमेटिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन का स्केमेटिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि जिसमें यहाँ सेंटर में क्या है न्यूक्लियस ये हमारा न्यूक्लियस हो गया इसके अराउंड में के शेल एल शेल के शेल हो गया एल शेल हो गया और तीसरा कौन सा शेल होता है एम शेल हम इतने शेल का भी यूज करते हैं ठीक है हमने शेल्स बना दिए अब अब मेन बात क्या आती है अभी देखो के शेल में टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम लोग नहीं डाल सकते तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया ठीक है एल शेल में टोटल हम एट इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं तो वन टू थ्री फोर पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने आठ इलेक्ट्रॉन है जब आठ इलेक्ट्रॉन है मैंने के शेल में दो डाल दिए तो मैं एल शेल में कितने डाल सकती हूँ बस छः डाल सकती हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः पर किसी भी सब सब एटम का एक मन होता है जैसे सबकी एक एम होती है कि वो अपने लास्ट शेल में ऑक्टेट फॉर्म करे क्या फॉर्म करे ऑक्टेट कि उसमें कैसे भी करके भाई आठ आठ इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाए पर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है आठ बनाने के लिए ऑक्टेट बनाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई छः इलेक्ट्रॉन हैं अगर उसे आठ उन्होंने हैं तो सिक्स में कितना प्लस करेगा कि एट आ जाएगा तो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है तो उसको दो इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है तो क्या कर सकता है भाई उसके पास तीन तरीके होते हैं या तो वो किसी के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले या तो किसी से दो इलेक्ट्रॉन मांग ले या तो वो अपने ये बाकी के जो छः इलेक्ट्रॉन हैं ये छः के छः छोड़ दें तो उसके लिए आप बताइए अभी आपको बॉन्ड बनाना नहीं सीखना आप अभी शेयर की बात मत लीजिए अभी आप छोड़ने और लेने की बात करिए या तो वो दो इलेक्ट्रॉन ले ले या तो वो अपने छः इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो आप खुद दिमाग लगाइए कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारे पास छः चॉकलेट हैं तुम्हें दो चॉकलेट की और ज़रूरत है पार्टिसिपेट किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास आठ चॉकलेट होना ज़रूरी है भाई अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको आठ चॉकलेट की ज़रूरत है पर आपके पास हैं कितने भी चॉकलेट छः चॉकलेट हैं ठीक है थीके? आपको दो चॉकलेट की और ज़रूरत है या तो आप पैसे देकर कहीं से दो चॉकलेट ले लें या फिर छः के छः चॉकलेट किसी नीडी पर्सन को दे दें तो उससे क्या होगा क्या होगा उससे ना तो आप खुद पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना तो आपको टेंशन होगी तो ये भाई क्या करता है ऑक्सीजन भाई क्या करता है ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई इसकी वैलेंसी हो गई टू जितने इलेक्ट्रॉन की उसे जरूरत पड़ रही है उसे दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई टू हो गई ठीक है मैंने आपको आयोन के लिए एक स्टोरी बताई थी कि अगर कोई आदमी अपनी चीज दान कर रहा है तो उसके सिर पे किसका चार्ज लगता है पॉजिटिव साइन का चार्ज लगता है और किसी इंसान को किसी से लेना है बिखारी जैसे चोरी करना है तो उसके सर भगवान किस चीज़ का साइन लगाते हैं माइनस का साइन लगाते हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पे ऑक्सीजन की हालत देखो वो दो उसके लिए बताओ दो देना आसान है कि छः छोड़ना आसान है भाई छः छोड़ने के से इससे क्या होगा ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा पर अगर ये दो ले लो तो बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर तो आप आप खुद बताओ जब ये दो ऑक्सीजन ये ले रहा है किसी से मांग रहा है उधार ले रहा है तो इसके साथ किस चीज़ का साइन लगेगा तो उसको दो लेना पड़ेगा है ना उसे दो लेना पड़ेगा तो दो लेगा किसी से मांगेगा उधार मांगेगा तो उसके साथ किस चीज़ का साइन लगेगा माइनस का साइन लगेगा अभी आयोन्स की बात करी हूं। तो उसके साथ चार्ज माइनस का लगेगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी कि? टू इसकी वैलेंसी कितनी आएगी टू आएगी इसकी वैलेंसी क्यों टू आएगी क्योंकि इससे दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आएगी टू तो ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए उसे दो दो इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ती है तो इसीलिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वाज वाज एग्जांपल हियर दैट ऑक्सीजन Oxygen has the atomic number 8, so number of proton is 8, number of electron is 8. He need to make an octet in the outermost shell to become a stable atom, stable. So he need to make an, uh, an outermost shell which had an 8 electron was set as possesses as octet. So atoms would this react so as to achieve an octet in the outermost shell this can be done by sharing gaining or losing of electron the number of electron gained lost or shared so as to make the octet of electron in the outermost shell give us that the directly the combining capacity that is known as valency so the oxygen valence is two because two electron is needed by him लेट्स टेक वन मोर एग्ज़ाम्पल सो डेट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू सो यू वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ बेरीलियम बेरीलीम के अटोमिक नंबर क्या है 4 उसमें टोटल प्रोटोन्स कितने हैं 4 एलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 और न्यूट्रॉन्स मैं आपके नॉलेज में डाल देती हूँ फाइव न्यूट्रॉन्स होते हैं जैसे आप साइड बाई साइड न्यूट्रॉन्स भी याद हैं तो बेरीलियम है अब बेरीलियन की वैलेंसी हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले हम उसका न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं न्यूक्लियस के अराउंड उसके शेल्स बना देते हैं दो शेल बना दिए हैं बन के दो शेल अब उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अब चार इलेक्ट्रॉन है उसे दो यूज कर लिया, बच्चे कितने है? दो तो एल शेल में कितने आ पा रहे हैं सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ पा रही है अब उसे भाई ऑक्टेट फॉर्म करने हैं ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है छः इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अब छः इलेक्ट्रॉन्स उसे लेने पड़ेंगे या फिर वो दो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके शेल में सिर्फ दो ही आ सकते उससे ज़्यादा आ नहीं सकते तो इससे लेने की जरूरत नहीं है इसके पास दो है एज द लास्ट शेल to make an update he needed six more electrons so what to do here he should leave ye apne do do electrons ko kya karega chhod dega क्यों छोड़ेगा जिससे ये एक स्टेबल बन सके तो इसकी valency कितनी आएगी इसकी valency आएगी टू और जो उसके साथ जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है क्योंकि किसी नीडी को भाई दो इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा दे जिससे अपने इससे छः इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ना पड़े ये आपको क्लियर हो गया वैलेंसी अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर मैंने आपको एटॉमिक नंबर सबसे पहले बताया कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या रिफोर्ज करता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड लेटर से डिनोट करते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटोन से जो प्रोसेस कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज टू एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज सेवन दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर सो बेसिकली टू लर्न द एटॉमिक नंबर यू नीड टू लर्न द पीरियोडिक टेबल ओके फॉर योर क्लास लर्न पीरियोडिक टेबल टिल थर्टी एलिमेंट्स

तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम लोग मास नंबर कहेंगे तो मास न्यूक्लियस द ऑफ एन इज प्रैक्टिकली ड्यू टू तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भाई को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा मास नंबर आएगा मास नंबर आने के बाद जो ये मास है नंबर आएगा हमारे पास जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग दोनों को एक साथ ले ले तो क्या फॉर्म yes. करते हैं न्यूक्लॉन्स तो क्या फॉर्म करेगा न्यूक्लॉन्स फॉर्म कर देगा और जो मास नंबर क्या होता है ये सम है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं मास नंबर कहते हैं जैसे मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटोन इज देयर वन देयर इज नो न्यूट्रॉन देयर सो द मास नंबर इज वन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज एट And the number of uh, protons is also 8. So 8 plus 8 is equal to 16. So the mass number of oxygen is 16. Now this we will talk about the atomic structure. So the basic structure, this is then x is for stand for element Z stand for atomic number a stand for mass number. ठीक है नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या निकालेगा मास नंबर एटॉमिक नंबर में क्या है कितने प्रोटोन्स है वो क्या बता देगा हमें एटॉमिक नंबर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स फिर हमारा द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वुड बी कम्पलीटेड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू